मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब गजारा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। मुस्लिम मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम, ऐसा लगता है बीजेपी के पास चुनाव में सिर्फ मुस्लिम ही मुद्दा है और बीजेपी मुस्लिमों को ही मुद्दा बनाकर जीत हासिल करना चाहती है। इसलिए कभी प्रधानमंत्री मुस्लिमों पर बयान देते हैं तो कभी गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं। पहले आप पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब गजारा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर एक और झूठ बोला था। घुसपैठियों को बांटेंगे, क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम ने कहा था कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। अब इन चुनावों के बीच पीएम मोदी तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इनमें से पीएम मोदी का एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह इस बात से हैरान हैं कि लोग उनकी घुसपैठिया टिप्पणी की व्याख्या मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों में भी अधिक बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों में भी यही स्थिति है, जहां गरीबी है वहां अधिक बच्चे हैं, चाहे उनका सामाजिक दायरा कुछ भी हो। मैंने कभी भी हिंदू या मुस्लिम का जिक्र नहीं किया। आप उनका ये भी बयान सुनिए। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब गजारा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को देखकर किसी के मन में कोई शक नहीं है कि घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल पीएम ने मुसलमानों के लिए कहा था। पूरी दुनिया में पीएम के इस बयान पर जो जग हंसाई हुई है उसके बाद अब लाख वो इस बात को लेबल करने की कोशिश करें बेकार है। मोदी ने अपने तमाम रैलियों में कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति में से कुछ हिस्सा छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। अगर किसी के पास दो कमरे का एक घर है तो एक कमरा कांग्रेस मुसलमान को दे देगी, किसी के पास दो भैंस है तो एक भैंस मुसलमान को दे देगी। ऐसे में मोदी अगर सिर्फ गरीबों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सोचना होगा कि क्या तमाम संपन्न परिवारों में जहां ज्यादा बच्चे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति छीनकर ऐसे गरीबों को बांट देगी, पहले तो मुसलमान कहा था लेकिन अब आपकी बात मानकर उन्हें गरीब ही मान लेते हैं, तो क्या गरीब को देश की संपत्ति में हिस्सेदारी देना अपराध है? चलिए अगर मान भी ले कि पीएम की मंशा मुसलमानों को टारगेट करने की नहीं थी तो उनके गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ कह रहे हैं जरा उस पर भी गौर कीजिए कि वो अपने भाषण में मुसलमानों के प्रति भाषा की मर्यादा भी भूल गए। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी माँ माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी लेकिन यह नारा अब गायब हो गया है और मुल्ला मदरसा और माफिया उसकी जगह आ गए। मुझे बताएं कि क्या मुल्लाओं को बंगाल के राज्य के खजाने से भुगतान करना चाहिए? अमित शाह और पीएम मोदी के बयान बता रहे हैं कि चार चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी का जो प्लान था, बीजेपी का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से विफल होता दिख रहा है। बीजेपी का 400 पार नारा फेल होता नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी और पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आए। चुनाव के बीच बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से भटक कर वो मटन की बात कर रहे, मुगल की बात कर रहे, मुसलमान की बात कर रहे हैं लेकिन काम की बात नहीं कर रहे। पीएम मोदी भले ही लाख कोशिश कर ले, इस बार के चुनाव में उनका हिंदू मुस्लिम का जो ये ट्रंप कार्ड है वो फेल हो गया है, वह नहीं चलने वाला। जनता समझ चुकी है, जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करना चाह रही है, जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देना चाह रही है, इस बार जनता मजहबी मुद्दे को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन ये बात पीएम मोदी और उनके गृह मंत्री को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है।